कोलकाता कैश कांड में फंसे झारखंड के तीन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। इसके साथ ही कोलकाता में रहने की बाध्यता खत्म हो गई है। वहीं जमानत मिलने के बाद आज तीनों विधायक झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग कर पहुंचे, जहां इरफान अंसारी और उनके साथी विधायकों ने अपने ही विधायकों पर जम के भड़ास निकाली। ये आलाकमान से मैं मांग होगा, ये सरकार गठबंधन महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों ने बनाई है, सरकार बनाने में इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है और किसी के कहने पर अगर कोई निर्णय आ जाता है तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। हम लोग जाएंगे, एक पक्ष का बात सुना गया है, दूसरी पक्ष का भी बात सुन लीजिए, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है कि एक दिन में हम लोग 1-1 करोड़ रुपया हम लोग कमा लें, ऐसी कोई बात। बहुत 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 मुझ किया, ये काफ़ी जर्नी काफ़ी पेनफुल था। अगर मैं कोई गुनाह करता, आप बताइए, पैसा ये मामूली पैसा आईटी का हिसाब लेगा, मेरा इनकम टैक्स हिसाब लेगा, पुलिस कौन होती हिसाब लेने वाला? और पुलिस ये कह रही है कि सर ऊपर मना लीजिए, आप लोग ऊपर का दबाव है, तो मैं जानना चाहता हूँ किसका दबाव था, क्या किया हमने, क्या कसूर किया, किसी को गोली मार दिया, किसी का छीन लिया है? ये हमारा अपना पैसा था, हम इनकम टैक्स को जवाब दे चुके हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसके कारण हम यहाँ हैं। तो बेवजह छोटा सा बात को लेकर एकदम तिल का ताल बता दिया गया, और जिस तरह से हमें तो नहीं लगता क्या क्या चलाया होगा मीडिया वाला, पकड़ा गया एक, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारे सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, बताइए, सीआईडी भी बोला हाँ सर नहीं नहीं, तो खत्म हो गई बात। ये तो जांच का विषय है ना, जिसने 10 करोड़ रुपया का आरोप लगा दिया हम पर कि इरफान अंसारी 10 करोड़ का आरोप दे रहा है, हमारे एक साथी विधायक का और एक विधायक, तो हम लोगों ने मांग किया कि वर्ल्ड का जो बेस एजेंसी है आप जांच कीजिए कि हमने कब ऑफर किया, 10 करोड़ का ऑफर कब किया हमने, कोई एविडेंस है, कोई बात है, टेलीफोनिक टॉक है, लिखित दिया है मैंने या व्हाट्सअप कॉल किया है या मैसेज किया है, आपको एविडेंस देना होगा। हम तो खुद जाएंगे, हम खुद जाएंगे ईडी के पास, हम खुद जाएंगे सीबीआई के पास, हम खुद जाएंगे बड़ी एजेंसी के पास कि नहीं, हमारे जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है, हम उस तरह से नहीं है, हम झारखंडी हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी तरह पूंजीपति नहीं है, माफिया नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। पार्टी भी तो आपके साथ खड़ी थी, पार्टी को सच नहीं बताया गया, आप तो खड़े नहीं थे, आप लोग को भी जो प्रथम दृष्टि दिखाया गया आप लोग भी चलाए होंगे पूरा, पकड़ा गया, ये किया, वो किया, कैश कांड, कोर्ट नहीं बोला कैश, किस बात का कैश कांड, ये पैसा दिन का है, मैंने इनकम टैक्स को बताया था, कांड कैसे हो गया, कैश कहाँ से आ गया? अच्छा, तो कि पहले हमारी अरेस्टिंग होती है उसके बाद में 0 FIR होता है। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को परेशान, दूसरे जानवर को खाता नहीं है, लेकिन एक पार्टी का विधायक दूसरे विधायक पे केस कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने साजिश किया है उनको प्रमाण देना चाहिए। आज शिल्पी नेहा तिर्की के चुनाव में हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, आज अनूप सिंह के चुनाव में हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, क्या बात करता है, हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपया और हमको टेलीफोन पे उन्होंने ऑफर किया। साजिश किसने रची? आप साजिश तो अभी हम आए हैं, आप एक एक चीज तह पे जाएंगे, एक एक चीज पे हम बात करेंगे, आला कमान को जो सच्चाई है उस पर हम बात करेंगे।